कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत का ही पालन करता है, यानी मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पर रोना और घूमना, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई आसन करते हैं, कोई योग अभ्यास करते हैं, कोई सुश्वास उश्वास की क्रियाओं पर सांस को ही देखते रहते हैं, इस तरह की सब क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ माने धार्मिक साधनाएं करते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी साधनाओं को यानी पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता हो कि ठीक नहीं तो वो छोड़ दें। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि बहुत विस्तार के साथ इस धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की साधनाओं की जानकारी दी है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उनके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बहुत विस्तार से कहा है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। और वह ज्ञान तत्व ज्ञान है, उसको जान करके फिर तुम सब पापों से सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता, उसके बाद आपको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी दिखाएंगे। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये चौथे अध्याय का अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करते हैं। अपरे माने बहुत से अन्य दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अपरे माने अन्य ब्रह्म अग्नु यानी ब्रह्म की ही साधना करते हैं, परब्रह्म की नहीं, ब्रह्म स्पष्ट लिखा है, और यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 26 में कहा कि अन्य योगीजन कुछ साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपना हठ योग करते हैं, इंद्रियों को रोकने की अभ्यास करते हैं, और दूसरे अन्य शब्द आदि यानी कान बंद करके उसको समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है दूसरे योगीजन यानी कुछ योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, हवन माने साधना करते हैं। और 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी धन से होने वाला पुण्य, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कि तो भंडारे करवा दिए, कि तो जोड़ खुद तालाब बनवा दिया, और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या करते हैं, तपस्या रूपी साधना करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं यानी आसन उसन करते रहते हैं, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांधनी, नंगे पैर घूमना, यत्नशील पुरुष और कुछ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, स्वाध्याय गीता का पाठ कर लिया, वेदों के मंत्र पढ़ लिए। 29 और 30 में कहा है दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी श्वास उश्वास की क्रिया को सूक्ष्म कर लेते हैं, प्राण वायु में अपान वायु के कुछ इसके विपरीत करते हैं, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनका कहने का भाव ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। अब 31 मत ये कहा कि जो साधना नहीं करते वो तो ना यहाँ सुखी ना उधर सुखी, यहाँ सुखी नहीं है तो वो फिर परलोक में कैसे सुखी हो सकते। अब 32 में स्पष्ट किया है इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यहाँ इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, वेद की वाणी ये गलत कर दिया, एवं बहुविधा यज्ञा विहित वितता ब्रह्मणा ब्रह्मणे मुखे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के द्वारा अनुवाद दिखाते हैं आपको, अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता 23 श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, ये ब्रह्मणे शब्द है,
इन्होंने स्वयं अनुवाद किया कि ओम 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 तत् तत् सत सत, ऐसे इति माने ऐसे, यह तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म। तो यहाँ हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, चौथा अध्याय ये 32वां श्लोक है। इस प्रकार और भी, इस प्रकार यानी अभी पहले सुने ना 25 से 31 तक है, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, अपने मुख से उच्चारित वाणी में, उनकी अमृत वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी उनको कर्म से होने वाले, नाम उठत नाम बैठ नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम सोती लागबे, 40वें अध्याय के यजुर्वेद के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर कलवे समर करतुम समर, यानी वो अपना कार्य करते करते क्रियाएं होती हैं। सचिदानंद घर ब्रह्म के द्वारा जो ज्ञान दिया है संपन्न होने वाले जान है, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया है, अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो वर्णित है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्वदर्शी ना है। अब वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको थोड़ी सी सुनाएंगे, उसमें कैसा निर्णायक ज्ञान किया है, कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए। गीताजी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको उनकी ना गति होती है, ना उनको कोई सुख प्राप्ति होती है और ना ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए ना करने चाहिए, त्यागने चाहिए या ग्रहण करने चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैदा है बैधे से भेद अलहदा, यो भी बैदा, बैदा माने यूजलेस व्यर्थ साधना है। कि सट दर्शन सट भेष कहाँ है, ये जैसे सन्यासी जो है ना, गिरी पुरी सन्यासी वैष्णो नागा और ये नाथ, ये 6 प्रकार के ये दो त्रिगुण उपासक हैं, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक हैं, इनके विषय में कहा है। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में साधना पर सुना होगा, अब ये क्या एंड बैंड बोलते हैं, उवा बाई बक रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। अब ये क्या पढ़ है गीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, है और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेदों में गीता में कहीं तीर्थ और व्रत करने की नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना ये योग न तो अधिक खाने वाले का न बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खाना व्रत रखना कभी सफल नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। अब गीता पढ़ रहे हैं, अन्यों कहें
मूल मंत्र के हरे राम राधे श्री राधे, राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और गीता में कितना ये मंत्र नहीं। वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बांचे पुराण 18। जड़कू अंधे पत्ते खवाव ये भूल गए सृजन हारा। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बारे बाट बिटम्ब बिलोरी या सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनियों में छह प्रकार के जितने भी साधु संत हैं, ये गिरिपुरी वैष्णव उपासक, कृष्ण जी के उपासक, ये नाथ परंपरा के, कहते हैं इनमें ठगी की भक्ति है, व्यर्थ भक्ति है, जीवन नष्ट करने की, ये आपको मूर्ख बना रही है। सन्यासी दस नाम कवावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नीकछ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ना जानते, शिव जी को परमात्मा बनाए बैठे हैं। सुन सन्यासी कुल कर्म नासी, भग में प्योंदी भूल ले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम ना चीन्या गुरु गुण हीना। नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समाणी। ये नंगे फिरते हैं जैनी वीर और ये नागा साधु भी, कहते हैं नग्न निराशा, ये निराश जाएंगे, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और तन को तरासा, अब इसी बुंडी सर्दी में और गर्मी में नंगे आने, अब पशुपन का अपन अंडा करोगे नहीं, वस्त्र आप धक्के खाओगे। अब परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, इसमें अपना सभ्य तरीके से रहो और भक्ति करो, सत्साधना करो। कहते नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समाणी। पशु प्राणी समान के कुत्ते की तरह नंगे फिरते हैं। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते हैं वेद पुराण पढ़े इन्होंने और उनकी कथा कहानी अपने हिसाब से बना बैठे इन्होंने, अर्थ समझ में नहीं आए। वेद और गीता और ये पुराण क्या समझाते हैं। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। ये पांचों नार पच्चीसों लड़के, धुंधु धार मचावे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर छोड़ दिया, बैरागी बन गया, एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैल बे। एक नारी त्याग दीनी, परमात्मा की महिमा से परिचित होकर पुण्यात्मा कहते हैं अपने घर बार त्याग कर पत्नी को छोड़कर जंगल में चला जाता है, सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। नारी को, औरत को, स्त्री को किस लिए छोड़ते हैं कि वो भक्ति में बाधक है। और परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, गैल माने साथ में, और पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैल वे। अब एक नारी यानी स्त्री तो छोड़ दी तूने बाधक समझ कर के, तेरी भक्ति में बाधा करेगी। अरे ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध बो लोभ अहंकार, इन त्याग बेटा, जब बनेगा बैरागी। और फिर क्या सांग काट रहे हैं, कंठी माला और मृगछाला, सिर पे जटा रखा हुए हैं। कंठी माला और नो कही, ये तो जरूरी चाहिए कंठी, कंठित मुक्ति होगी क्या, नाम से होगी, ये सत्साधना से, मर्यादा से रहने से, पूरे गुरु से उपदेश लेकर मोक्ष होगा। इन बनावटी बाह्य आडंबर से कोई भक्ति में सहयोग नहीं मिलेगा आपको। कंठी माला और मृगछाला, ये सिर पर जटा रखा हुए हैं। ढोलक ताल झाल रही पीट फिर ताना रही रही गावे हैं, भगवान के मार्ग में। और ऐसे बंडेला जैसे काम करें ये भगत थोड़े ही हैं। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुज बीरज का मरम ना जाने, ये भद्र भेख बनावे हैं। ईसा बढ़िया बढ़िया दाढ़ी डूढ़ी रखा कर, बुढ़ी केस बनाकर, खूब चमक दे कपड़े पहन के, अन्य को बहुत सुंदर बनकर बन ठनकर चल रहे हैं साधु बनकर। परमात्मा कहते हैं
कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो,